गलती किया था और क्या गलती की वजह से क्या क्या हुआ, हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। आपको देखना चाहिए, एक दो दिन तक आपको नोटिस करना चाहिए। ये डॉक्टर ने मुझे एक्चुअली बहुत कुछ सुनाया, एक्चुअली ये मेरी लापरवाही थी। हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफ ऑफ लीजा। तो आज मेरा वीडियो टॉपिक क्या है वो आप लोगों को पहले से ही पता है। मैंने मेरे प्रीवियस वीडियो में आप लोगों को बताया था कि कुछ दिन पहले यहाँ की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था, बहुत ज़्यादा रैशेस आए थे उसको, और ऊपर से उल्टी हो रहा था, थोड़ा फीवर भी था, ज़्यादा टेम्परेचर था नॉर्मल से ज़्यादा। तो उस दिन मैं एक्चुअली डॉक्टर के पास गई थी, तो डॉक्टर ने मुझे कुछ एडवाइस किया, तो एक्चुअली मेरी ही लापरवाही थी। तो मैंने क्या क्या गलती किया वो सब मैं आज इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, मैं जब डॉक्टर के पास गई, डॉक्टर की जो रैशेस थे वो सब देख के उन्होंने मुझे फर्स्ट यही सवाल किया कि आपने कोई नए कॉस्मेटिक्स केमिकल्स वगैरह आहार के ऊपर ट्राई तो नहीं किया था। तो मुझे जितना याद है, मैं 2-3 दिन से एक्चुअली जॉनसन एंड जॉनसन का मिल्क प्लस राइस क्रीम बोल के एक एड आता है वो मैंने एक्चुअली देखा था। तो मुझे लगा था कि हाँ ये तो अच्छा प्रोडक्ट ही होगा क्योंकि जॉनसन एंड जॉनसन का प्रोडक्ट है। तो वो मैं कुछ दिन से यूज़ कर रही थी, मोस्टली 2-3 दिन से यूज़ कर रही थी। तो तब मुझे याद आया कि हाँ कुछ रैशेज वगैरह रेड कलर का वो मुझे उसके फेस पर दिख रहा था, लेकिन एक्चुअली मैंने उतना ध्यान नहीं दिया क्योंकि मुझे लगा जॉनसन एंड जॉनसन का प्रोडक्ट है, अच्छा प्रोडक्ट है, ब्रांडेड प्रोडक्ट है, तो उससे क्या प्रॉब्लम हो सकता है। और ऊपर से मैं बाकी जॉनसन एंड जॉनसन का ही सारी चीज़ें यूज़ करती हूँ, जैसे कि जॉनसन एंड जॉनसन का बेबी ऑयल यूज़ करती हूँ, शैम्पू वगैरह, लोशन वगैरह जो भी है मैं स्टार्टिंग से लेकर वही यूज़ करती हूँ। तो डॉक्टर ने मुझे यही कहा कि आपको ज़्यादा ध्यान में रखना चाहिए था कि आप जब भी कोई नए प्रोडक्ट बच्चे के ऊपर यूज़ कर रहे हो तो आपको ये एक चीज़ हमेशा ध्यान में रखना चाहिए, आपको देखना चाहिए, एक दो दिन तक आपको नोटिस करना चाहिए कि उसको कोई रैशेस वगैरह तो नहीं आ रहा है। तब जाके मुझे लगा कि हाँ मैंने वो 3-4 दिन से मैंने यूज़ किया है। तो यही मैं आप लोगों को भी कहना चाहूँगी, देखिए हर किसी के केस में सेम नहीं होता है। मैं ये नहीं कहूँगी कि जॉनसन एंड जॉनसन का जो प्रोडक्ट है वो ख़राब है, क्योंकि मैं खुद दूसरे प्रोडक्ट जॉनसन का यूज़ करती हूँ, अच्छा है, एकदम स्टार्टिंग से लेकर मैं यूज़ कर रही हूँ, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं आप लोगों को यही रिक्वेस्ट करूँगी कि आप जब भी कोई नया प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हो अपने बच्चे के ऊपर, तो आप पहले नोटिस करो एक दो दिन की बच्चे को कोई रैशेज़ वगैरह तो नहीं आ रहा है। अगर कोई रैशेज़ वगैरह आ रहा है तो आप लोग एक चीज़ समझ लो कि वो आपके बच्चे के स्किन को सूट नहीं कर रहा है। मैं फिर से बता रही हूँ, एक ही प्रोडक्ट ऐसा नहीं है कि ये किसी को सूट नहीं करता है। हर किसी के स्किन अलग होता है, हर एक बेबी का स्किन टाइप अलग होता है, तो उस हिसाब से उसको क्या सूट कर रहा है ये हमें नोटिस करना चाहिए। जो गलती मैंने किया, मैंने नोटिस नहीं किया था। सेकेंड गलती जो मुझे डॉक्टर ने बताया, कुछ उसका कुछ रेड कलर का बड़ा बड़ा रैशेज जैसा हो गया था ऐसे हाथ में पैर में। तो मुझे डॉक्टर ने कहा कि मॉस्किटो नेट आप हर रोज यूज़ करते हो क्या? एक्चुअली क्या हुआ था, मैं जब स्टार्टिंग में कोलकाता में थी तो शुरू शुरू में जब उसकी एज बहुत ज़्यादा कम था, 15 दिन 17 दिन, तो 2-2.5 महीने तक मैं हमेशा मॉस्किटो नेट यूज़ करती थी। लेकिन अभी क्या है, आप लोगों को पता है मुंबई में अभी तो बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर है, जैसे मोस्टली 2-3 दिन से 42-43 डिग्री सेल्सियस यहाँ पे जा रहा है, तो समझ सकते हो कि इतना गर्मी होगा, बहुत ज़्यादा पसीना आ रहा है, रहन को भी बहुत पसीना आ रहा था। तो इसीलिए एक्चुअली मुझे लगा कि ठीक है चलो मॉस्किटो नेट हटा देती हूँ, क्योंकि वो सीलिंग फैन की हवा उतना डायरेक्ट उसके ऊपर नहीं आ रहा था। तो इस वजह से एक्चुअली उसको मच्छर ने काट लिया तो रैशेज वगैरह आ गया। ये मेरी और एक लापरवाही है जिसके लिए डॉक्टर ने मुझे एक्चुअली बहुत कुछ सुनाया। एक्चुअली उन्होंने मुझे ये बताया कि एक छोटे से बच्चे को विदाउट मॉस्किटो नेट कभी भी नहीं रखना चाहिए, खास करके अगर आप जहाँ पे रह रहे हो वहाँ पे बहुत ज़्यादा मच्छर है। तो मुझे लगता था मैं हाँ मैं गुड नाइट या फिर मॉर्टिन जला देती हूँ तो ठीक है, उतना तो मच्छर, मतलब मैंने एक्चुअली ये मेरी लापरवाही थी, मुझे इन सब चीज़ों में ध्यान देना चाहिए था, लेकिन शायद मुझे उतना नॉलेज नहीं है तो मैंने उतना कुछ इस बारे में ध्यान नहीं दिया। और रही बाकी जो है उसको मतलब उल्टी वगैरह हो रही थी वो मुझे डॉक्टर ने बताया, उसके लिए उतना ज़्यादा टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, वो जस्ट नॉर्मल कुछ बद हजमी के वजह से हुआ है। और कुछ मतलब एक्चुअली क्या है, वो अभी ब्रेस्ट फीडिंग कर रहा है तो मुझे भी खाने पीने में बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए था।
तो डॉक्टर ने मुझे बताया बहुत ज़्यादा कुछ, वैसे तो मैं नॉर्मली डाइट पे हूँ लेकिन फिर भी कभी कभी हो जाता है कुछ रीच वगैरह मैं खा लेती हूँ या फिर ऐसा कुछ खा लेती हूँ जो शायद बच्चे को सूट नहीं ही कर रहा है। तो डॉक्टर ने मुझे बोला कि वो ब्रेस्ट फीडिंग कर रहा है तो आपको आपके खाने पीने में बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि मैंने कुछ उल्टा सीधा खा लिया तो ब्रेस्ट फीडिंग के द्वारा वो बच्चे पर भी बुरा असर कर सकता है, जो मेरे केस में हुआ है। और टेम्परेचर जो था वो नॉर्मल था, मैं एक्चुअली बहुत ज़्यादा घबरा गई थी। तो उन्होंने भी बताया कि एक बच्चे में 96, 97, 8 ये सब नॉर्मल टेम्परेचर होता है और हमसे एक बच्चे के टेम्परेचर हमेशा ज़्यादा ही रहता है, तो वो उतना टेंशन लेने जैसी कोई बात नहीं है। तो मैं आप सब लोगों से यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, जो जो गलती मैंने किया है वो गलती आप मत करो। आप कोई भी ब्रांडेड प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हो तो आपको लग रहा है कि हाँ ये तो जॉनसन एंड जॉनसन का है, ये तो मामाअर्थ का प्रोडक्ट है, ये तो डाबर लाल है और ये तो ब्रांडेड है, इसमें कुछ नहीं हो सकता, ऐसा नहीं होता है। मुझे भी ऐसा ही लगा था क्योंकि हर बच्चे की स्किन टाइप अलग होता है, उस हिसाब से आपके बच्चे को क्या सूट कर रहा है वो आप नोटिस करो। जब भी आप कोई नया प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हो आप नोटिस करो कि उसको कोई रैशेज वगैरह तो नहीं आ रहा है। अगर नेसेज वगैरह आ रहा है तो आप तुरंत वो चेंज कर दो, वो प्रोडक्ट यूज़ करना बंद कर दो, चाहे वो कोई भी ब्रांडेड प्रोडक्ट क्यों ना हो। और कुछ थोड़ा बहुत बेबी एक्ने वगैरह उसको हुआ है तो डॉक्टर ने मुझे बताया कि ये बिल्कुल भी नॉर्मल है, ये एज में वैसा होता है, बहुत ज़्यादा गर्मी की वजह से, सन एक्सपोजर की वजह से होता है, क्योंकि हम बीच में उसको लेके थोड़े सन के टाइम पे भी बाहर गए थे इधर उधर, जो हमें शायद करना नहीं चाहिए था, वो सन रे की वजह से बेबी को थोड़ा बेबी एक्ने का प्रॉब्लम भी होता है। तो डॉक्टर ने उस बारे में कुछ ज़्यादा नहीं कहा, उन्होंने बताया कि ये बिल्कुल नॉर्मल है, ये एज में हर किसी को ही बेबी एक्ने होता है, इसमें उतना ज़्यादा टेंशन लेने जैसी कोई बात नहीं है। सिर्फ मुझे अपने खाने पीने में ध्यान देना चाहिए क्योंकि हम ब्रेस्ट फीडिंग कर रहा है, ऐसा नहीं कि वो कम्प्लीटली ब्रेस्ट फीडिंग के ऊपर डिपेंडेंट है, वो फॉर्मूला मिल्क भी ले रहा है, लेकिन जब भी कोई बच्चा ब्रेस्ट फीडिंग करता है तो उसके मम्मी को बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए उसके खाने पीने में। तो यही सब मुझे डॉक्टर ने बताया। थैंक गॉड कि मैं बहुत कुछ ज़्यादा ही सोच रही थी क्योंकि इतना ज़्यादा रैशेज वगैरह आ गया था रेड कलर का, पूरे शरीर पे इतना रैशेज, ऊपर से मुझे बुखार जैसा भी लग रहा था, उल्टी हो रहा था, तो मुझे मैं बहुत ज़्यादा एक्चुअली डर गई थी। तो डॉक्टर ने मुझे ये सब चीज़ कुछ करने के लिए मना किया, खास करके मैंने जो गलती किया था वो था ये नया प्रोडक्ट यूज़ करके, और मॉस्किटो नेट वगैरह मैंने यूज़ नहीं किया था। डॉक्टर ने मुझे ये बताया कि हमेशा एक मॉस्किटो नेट यूज़ किया करो, एक मतलब अभी बहुत छोटा है ना, 3-4 महीने के एक बच्चे के लिए उसको ऐसे अगर मच्छर ने काट लिया तो वो उसके स्किन के ऊपर बहुत ज़्यादा असर कर सकता है, जो कि आम के केस में ही हुआ है। तो फ्रेंड्स, मैंने क्या क्या गलती किया था और क्या गलती की वजह से क्या क्या हुआ वो सब कुछ मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। मैं इसीलिए आप लोगों के साथ ये वीडियो शेयर किया कि अगर आप लोगों को भी मेरी तरह इस बारे में कोई नॉलेज नहीं है, या फिर आप लोग भी मेरी तरह नए मॉमीज हो या फिर नए पेरेंट्स बनने वाले हो, तो अगर आप लोग भी सेम गलती कर रहे हो तो मत करो, या फिर ये सब गलती आप लोग रिपीट ही मत करो। ये वीडियो मुझे लगा कि आप लोगों के लिए यूज़फुल हो सकता है, इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया। तो अगर आप लोगों को मेरा आज का ये वीडियो थोड़ा सा भी यूज़फुल लगा है, प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर देना, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, ताकि आगे जाके मैं जो भी मेरे लाइफ की कॉम्प्लिकेशन रिलेटेड, मेरे प्रेगनेंसी की कॉम्प्लिकेशन रिलेटेड या फिर चाइल्ड केयर रिलेटेड जो भी वीडियो मैं मेरे चैनल पे अपलोड करती रहूँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द आ जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, टिल देन बाय।